जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। और आज मैं आपको माँ दुर्गा भगवती का 7वां अध्याय सुनाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको 6 अध्याय श्रवण करवाए हैं, तो इसको भी आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो बोलिए, जय माता दी। 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी, जो सिंह पर बैठी हुई थी, देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और क्रोध के मारे उनका मुख काला पड़ गया। उनकी भुगतियाँ चढ़ गईं और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर और अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आँखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड़ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक एक पकड़ के अपने मुंह में डाल रही थी। और इस प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों में पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितनी उसकी मार के आगे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर पलका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोर में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकारी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। बोलिए भक्तों, जय माता दी। अगर आपको मेरे द्वारा दुर्गा भगवती के हिंदी में सुनाए गए अध्याय अगर थोड़े से भी पसंद आते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंचे और कोई भी वीडियो मेरी आप मिस ना कर पाओ। तो जय माता दी।